कभी भी किसी भी चीज़ का अफसोस मत करो, क्योंकि अफसोस की ज़िंदगी ना ही आपको आज में जीने देती है और ना ही आपको आगे बढ़ने देती है। एक मोटिवेशनल स्टोरी से मैं आपको समझाता हूँ। एक चाय वाला जिसका नाम था मोहन, मोहन घूम घूम कर चाय बेचता था। एक दिन मोहन ऑफिस में चाय देने जाता है, तब वहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मोहन से पूछते हैं, क्या तुम यहाँ नौकरी करोगे? मोहन कहता है, साहब मैं तो नौकरी की तलाश कर ही रहा था। तभी एक ऑफिसर पूछता है, तुम्हारे पास ईमेल आईडी तो है ना? मोहन को नहीं पता कि ईमेल आईडी क्या होती है और उसे उस नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। बाहर जाकर मोहन खुद को बहुत बुरा भला कहता है कि काश मेरे पास ईमेल आईडी होती तो आज इतनी बड़ी कंपनी में मुझे नौकरी मिल जाती। चाय का काम छोड़कर मोहन सब्जी का ठेला लगाता है। अपनी हार्ड वर्क और डेडिकेशन के दम पर मोहन एक छोटी सी दुकान किराए पर लेता है और सब्जी बेचता है। धीरे धीरे करके उसका बिजनेस बढ़ता जाता है और कुछ ही सालों में मोहन करोड़पति बन जाता है। जब एक रिपोर्टर मोहन से पूछता है, सर क्या आपकी ईमेल आईडी मिलेगी? मोहन कहता है कि अगर मेरे पास ईमेल आईडी होती तो आज मैं किसी बड़ी कंपनी में एक छोटी सी नौकरी कर रहा होता। कभी भी मेहनत करना बंद मत करना, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। और जिन लोगों को अपनी काबिलियत पर शक होता है, ऐसे ही लोग अफसोस करते हैं। तो अफसोस करने से पहले एक बार याद कर लेना कि आपको सिर्फ एक जिंदगी मिलती है और उसी जिंदगी में आपको बहुत बड़ी सफलता हासिल करनी है। तो समय बहुत कम है और सफलता इतनी बड़ी है कि आपको आज से अभी से मेहनत करते रहना होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस। मैं आपको इसी तरह इंस्पायर करता रहूँगा। टेक केयर, गुड बाय।